करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना से विवाद के बाद क्या बोले शिव सिंह शेखावत, देखें पूरा वीडियो चंबल तक पर। जय मां करणी, जय श्री राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने कामना करी और मेरी माताएं, मेरी बहनों ने जो चिंता रखी, टेंशन रखी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे परिवार के सदस्य की तरह आप सब लोग मेरे साथ खड़े रहे। पूरा भारत, पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहा। माँ करणी का आशीर्वाद रहा, मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ और समाज के लोग पूरे साथ में हैं। कभी भी किसी भी तरह का शिव सिंह शेखावत संबंधी अगर आपसे कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, तो शिव सिंह शेखावत का खून का एक एक कतरा आपके लिए तैयार है। और जब भी जरूरत पड़े, जब मैं तैयार हूँ, आपके सामने आ गया। मैं दो दिन, एक दिन तो मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद में जन सुनवाई में मैं बैठा था और सब लोग आ रहे हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उम्र साथी मेरे को प्यार और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी मातृशक्ति को, जिन्होंने पूजा करके, हवन करवा करके मेरी लंबी उम्र की कामना मांगी। फायर चलने के बाद में भी मैं सुरक्षित हूँ, किसी के किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, सब लोग सुरक्षित हैं। माँ करणी का आशीर्वाद ही मानो कि आज किसी भी तरह की कोई घटना नहीं घटी। और समाज, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग 36 कौम के लिए काम करते हैं और पूरा समाज एक जाजम पे एक साथ है। आप सब लोग देख लो, सुबह से जब से आए हैं, जब से मातृशक्ति, मेरा परिवार, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सब लोग मेरे साथ में हैं। मुझे पता नहीं था कि सब लोग मुझसे इतना प्यार करेंगे। कुछ लोगों ने गलत कमेंट डाले हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सच्चाई जाने बिना आप कोई गलत कमेंट में डालते हो तो किसी भी चीज की सच्चाई को जानो और उसके ऊपर काम करो। और मैं आप उसके बाद भी मैं आप सब लोगों के साथ में हूं। करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना, शिव सिंह शेखावत आपका भाई, आपका बेटा, आपके काकोसा बाबोसा आपके साथ में खड़े हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े मेरी किसी भी तरह की, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं तो मेरे मोबाइल नंबर है, मुझे आप कभी भी रात को भी याद करेंगे, मैं आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। मैं जैसा भी हूं, जिस तरह का हूं, एकदम क्लियर हूं, मुझे कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप सब लोगों के सामने हूं और समाज की सेवा का एक मुद्दा लेकर के मैं काम करूंगा। मुझे कोई राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं है, मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं है, मुझे समाज की सेवा करनी है। और 36 कौम की रक्षा के लिए पहले भी रात को समाज काम करता था और आज भी काम कर रहा है। आज धीरे धीरे जब मेरे कामों का पता लगेगा तो आप सब लोग भी मेरे साथ आ जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है। मुझे समाज से ना कोई चुनाव लड़ना है, ना मुझे किसी से कोई चंदा चाहिए। मैं समाज की सेवा करने के लिए आपके 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे 11 बजे तक आपका भाई, आपका बेटा, आपके समाज के लिए तैयार है। मुझे ये पता लग गया कि इतने लोग चाहने वाले मेरे साथ में खड़े हैं, उनकी प्यार की वजह से मैं पूरा स्वस्थ हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और सारे लक्ष्मी भाई साहब और पूरी टीम, वर्षा भाई साहब, ये पूरी की पूरी हमारी टीम, मेरी माताएं, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ में। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं कि पूरी 36 कौम रात को समाज के साथ चल रही है और मैं समाज की सेवा करने के लिए बैठा हूं। जब कभी भी आपको लगे कि जयपुर में शिव सिंह शेखावत, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में कभी भी कोई भी काम हो मेरे लायक, मैं आप सब लोगों के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे पता लग गया कि मेरे चाहने वाले लोग कितने हैं, कितनी मातृशक्ति ने पूजा करा करके, हवन करा करके, फास्ट रख करके मेरी लंबी उम्र की कामना करी। मेरे भाइयों ने गर्मी के दिनों में भी, और जब तक ये समस्या थी, मेरे ऑफिस में, मेरे घर के बाहर लोग खड़े रहे बाहर, उनको बैठने की भी जगह नहीं, मातृशक्ति ने भी जबरदस्त तरीके से दिखाया। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पूरा समाज मेरे साथ में है। कुछ लोग गलत तरीके से चीज डालते हैं तो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने समाज से
मैंने समाज के लिए कोई गलत काम कभी नहीं किया है, न मैंने कोई समाज को बेचने के लिए काम किया है। जो भी हो सकता है मैं समाज के लिए काम करूंगा, और जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा इसी तरीके से काम करता रहूंगा।